नमस्कार, मैं हूं अंजलि माली, द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। कुशीनगर में कई देशों के अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर है, इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, जहां विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। देवरिया सदर से उत्तर में 35 किलोमीटर तथा गोरखपुर से 51 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। यह भगवान बुद्ध के चार पवित्र स्थलों में से एक है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त की। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की 21 फुट की निर्वाण प्रतिमा है। लेटी हुए बुद्ध प्रतिमा के दोनों हाथ एवं पैर में चक्र बने हुए हैं। यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी एडी के मोनोलिथ रेड रेत पत्थर से बना है। यह डाइन बुद्ध को अपने दाहिने तरफ पश्चिम की ओर अपने चेहरे पर रेखांकित करता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद यह तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र स्थान है। इंडो जापानी मंदिर, बर्मा द्वारा निर्मित मंदिर, चीनी मंदिर, थाई मंदिर, कोरियाई, श्रीलंकाई, तिब्बती मंदिर, 15 एकड़ का ध्यान पार्क, संग्रहालय कुशीनगर में अन्य आकर्षण है। कुशीनगर बौद्ध मंदिर के मुख्य महंत श्री भद्यांता ज्ञानेश्वर ने संवाददाता को बताया मंदिर का महत्व। बताया गया था लुम्बिनी में भगवान बुद्ध जन्म हुआ, बुद्ध गया में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में प्रथम दृष्टिया, उसके बाद श्रावस्ती में 25 वर्ष तक बरसावास गया, वहाँ चेलानों को उपदेश दिया, उसके बाद शंकरसा में देवलोक से आया, उसके बाद वहाँ उतरा। ये 6 जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है। सांवैदिक 4 स्थान है, आवैदिक 4 स्थान है। सांवैदिक 4 स्थान में लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर। आवैदिक 4 स्थान में बोध गया, सानर, श्रावस्ती, शंकरसा, इस तरह से 8 जगह है। 8 जगह में 6 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 6 जगह में भी 4 जगह हमारा कुशीनगर में है, 4 जगह हमारा यूपी में है। यूपी में कुशीनगर, बोध गया, दोनों जगह में मूर्ति है। जो मूर्ति तोड़फोड़ दिया गया था, मूर्ति तोड़फोड़ करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण 2 जगह मूर्ति टूटा नहीं। ये कुशीनगर पे भगवान बुद्ध राजगिरी से आया था। राजगिरी, अम्बालाठिका, नालंदा, नाटिका, पात्रीग्राम हमारे पटना को बोला है। पटना में आखिरी उपदेश दिया, उसे उपदेश देने के बाद चलो ये नदी पार करो, गंगा नदी पार किया। गंगा नदी पार करने के बाद यहाँ वैशाली, अम्बग्राम, भंडाग्राम, जम्बूग्राम, हस्तीग्राम, भोगनगर पावर होते हुए कुशीनगर आया। कुशीनगर में इस जगह में पहुंचने के बाद आनंद, ये मल राजाओं का राजधानी है, इसे मल मले लड़ाकू जाते हैं। होश हम लोग मारेगा पीटेगा झगड़ा अच्छा नहीं होगा, मल राजाओं से जाकर करना चाहिए। मल राजाओं के पास गया, आनंद ने बताया भगवान बुद्ध आ गया यहाँ, हम लोग ऊंची जगह दे दो, तब ये अभी देखा होगा आप महापरिनिर्वाण मंदिर है, उसमें बगीचा है, उसी बगीचा के अंदर में आया। बगीचा में अंदर में आने के बाद दक्षिण साइड में साल वृक्ष है, उत्तर साइड में साल वृक्ष है, दोनों साल वृक्ष के बीच में ऐसे लेटा मूर्ति, उसे लेट गया। लेटने के बाद वहाँ अंतिम उपदेश दिया था, हंदा दानी बेखो आमद्यामी हो वया दम्मा संखारा अपमा देना संपादिता, उपदेश दे के यहाँ निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण प्राप्त हो गया, चेला चीरी समय बहुत आया, 8 देश का लोग आया था। 8 देश का लोग आने के बाद उपदेश दिया, उपदेश देने वाला आखिरी ढे यहाँ से ले गया, ले जन्मा मुकुटा भंडन चैत्य अंगारा चैत्य, उसी जगह में काकुस्था नदी है, उसी नदी पर चीता बना गया, वहाँ जला गया। जलाने के बाद यहाँ खत्म हुआ। खत्म होने के बाद सबसे जगह जो अभी निर्वाण प्राप्त होने के बाद है, ये महापरिनिर्वाण मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग आने से, जैसे हिंदू धर्म में गंगा जी में जाकर स्नान करेगा तो मुक्ति प्राप्त होता है, लेकिन हमारा बौद्ध धर्म पे कुशीनगर आएगा तो मुक्ति प्राप्त होगा, बोल आता है दर्शक ने बहुत आता है। यहाँ हम लंका देश विदेश से भी छात्र आते हैं जी, शिक्षा सबसे ज़्यादा तो 4-5 देश है, जैसे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, उसके बाद जापान, अभी तो वियतनाम गलवा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ सुदृढ़ करने वाला बनाने वाला बर्मी लोग है, लेकिन अभी दूसरा आ रहा है थाईलू, उसके बाद वियतनाम लो,
उसके बाद कोरिया लोग भी आ रहा है, जो थोड़ा मरम्मत कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्मी लोग पहले से अभी तक आके खूब अच्छा किया। अभी तो बिल्कुल बंद है, हम लोग प्रयास किए आने के लिए, लेकिन बर्मा में भी बहुत गड़बड़ है, थाई में भी गड़बड़ है, उसके बाद श्रीलंका भी गड़बड़, इसलिए नहीं आ पा रहा है। लोगों को सलाइन तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ बंद है, मंदिर बंद रखा है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। मंदिर खोला, मंदिर खोलने के बाद शनिवार को इतवार को बंद है, अब बाकी मास्क पहनना चाहिए, उसके बाद जो दवाई लगाना चाहिए उसके बाद आना चाहिए। हम लोग बस में बिल्कुल सब तैयार है, आने से पहले से भाई दो तीन आदमी तो दूर दूर में आके पूजा करो, दो तीन आदमी आता है पूजा करता है, उसे मास्क तो जरूरी है, मास्क सभी धर्म का स्वागत तो बहुत स्वागत है। मेरा नाम विनय कुमार है, और हालांकि मैं दूसरी बार आया हूँ, इसके पहले मैं एक बार आया था जब मैं छोटा था, तो अच्छा लगता है, चूँकि ये यह जो है कि प्राचीन बौद्ध स्थली है, और यहाँ पर जो है कि जो भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जो 8 इम्पॉर्टेंट जो स्थल माने जाते हैं उनसे संबंधित, तो ये स्थल सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ही तथागत गौतम बुद्ध का जो है कि महापरिनिर्वाण हुआ था, और उसके से संबंधित जो है कि यहाँ पर जो पुरातात्विक लोगों ने जो है कि खुदाई कराई, खुदाई कराने के बाद जो है कि चिन्हित किया गया इस स्थल को, फिर जो है कि भारत सरकार के माध्यम से इसे जो है कि संरक्षित करने का काम किया गया। हालांकि अभी भी इसका संरक्षण जो है सही ढंग से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर उन बौद्ध भिक्खुओं के जो है कि रहने के लिए जो स्थान बनाया गया है, जो जगह बनाया गया है, वहाँ पर जो है कि पानी भरा हुआ है। तो भारत सरकार करता हूँ कि कम से कम जो है कि पानी को, जो गंदा पानी है, इसे हटाने का जो है काम किया जाए। 1000 साल पुराना जो है कि ये अवशेष है, तो इसे जो है कि बचा कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लोग जो है आ करके यहाँ पर तथागत गौतम तक होते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इसका क्षरण हो रहा है, इसमें पानी जो है कि भर गया है, पानी सड़ेगा और जो है कि इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे जो है कि काफ़ी जो है कि दिक्कतों का जो है सामना, और ये लगभग समाप्त होने के कगार पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि हमने अभी जो है चाइनीज़ जो वहाँ बुद्ध विहार है, तो हमने वहाँ अंदर घुस करके मैंने वार्ता की, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि क्या विदेशी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब फ्लाइट ही जब रुका हुआ है भारत सरकार के माध्यम से, तो जब तक फ्लाइट नहीं होगा तब तक लोग आएंगे नहीं, और कोविड के मामले में जो है कि सेकंड पोजीशन पे, अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पर उसका जो है कि प्रभाव था एपिडेमिक के तौर पे, महामारी के तौर पे, तो उसकी वजह से जो दुनिया भर के जो यात्री हैं जो आते हैं वो आना बंद कर दिए हैं, और लगभग मैंने वार्ता वहाँ पर किया तो लोग कह रहे हैं कि एक भी विदेशी यात्री यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं स्पेशली भारत में या फिर पड़ोसी देश नेपाल ओपाल में, तो वही लोग जो है कि यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि जो है कि अन्य देशों के लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं जा पा रहे हैं जी। मेरा नाम मनीष कुमार तुलसियान है, हम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बगहा से आते हैं, और बहुत ही रमणीक जगह है यहाँ पर, मैं दूसरी बार आया हूँ और मुझे बहुत ही शांति प्रतीत होती है। कोविड को लेकर यहाँ पर यह इंतजाम है कि जो भी पब्लिक आता है, हम लोग को यहाँ प्रवेश करता है, एंट्री होती है, और बिना मास्क का एंट्री नहीं होता है। जो मास्क लगाए रहते हैं वो जाते हैं, जो मास्क नहीं लगाए रहते हैं बाहर चले, हम लोग बाहर कर देते हैं उसको। अजय गुप्ता के साथ वाहिद अंसारी की रिपोर्ट।